हेलो दोस्तों, दिस इज़ रोशन रावत और आज मैं बात करूँगी इस जूसर की जो मैंने नापतोल से मंगवाया था। वैसे ये जूसर मैंने 7-8 महीने पहले मंगवाया था, तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको इसका रिव्यू दे सकती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस जूसर का नाम है रॉयल शेफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जूसर। इसमें आप तरह तरह के जूसेस निकाल सकते हो, चाहे वो फ्रूट्स के हो या वेजिटेबल्स के। और ये जूसर का जो एक्चुअल प्राइस था वो 999 था, यानी 1000, और विद शिपिंग चार्ज ये मुझे 1350 में मिला, ठीक है। और इसके साथ ये देखिए एक मल्टी कटर विद पीलर मिलता है आपको, और एक वेजिटेबल एंड फ्रूट स्लाइसर मिलता है जिसमें आपको 6 ब्लेड मिलेंगी, थिन स्लाइसर, ग्रेटर, चिप स्लाइसर, थिन श्रेडर, थिक स्लाइसर एंड थिक श्रेडर। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। इसे हम लगाते हैं, इसे कैसे लगाते हैं ये देखो, इसे सेट करते हैं। ये है हमारा जूसर। सबसे पहले ये है इसकी जो ब्लेड जिससे हम जूस निकालते हैं। अब मुझे ये जूसर लिए 6-7 महीने हो गए, तो मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये देखें, ये पूरा टूट चुका है, ठीक है। इसे आप ऐसे सेट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें ओपन एंड क्लोज ऑलरेडी लिखा है, क्लोज है, तो इसे हम यहाँ पे रखते हैं ऐसे, और ये आपका सेट हो गया। अब ये जो इसके साथ ग्लास मिला है इसे यहाँ पे लगेंगी, ताकि यहाँ से जो जूस निकलेगा वो इस ग्लास में सारा कलेक्ट होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं इसका एक डेमो दे देती हूँ आपको। ये है हमारे पास कुछ ऑरेंजेस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसमें ऑरेंज डाला, ये है ऊपर। अब देखिए जो ये ब्लैक है, ये ऐसे घुमा दीजिए और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सरफेस थोड़ा अनइवन है, जब प्लेन सरफेस में आपका एकदम स्टेबल हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं। तो अब देखिए अब हमें इसका जूस कैसे निकालना है। यहाँ से हमें इसे प्रेस करना है और इसे घुमाना है। देखिए मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि ये पोर्टेबल है, हम इसे कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं इसे छत में लेकर के आ गई, तो खुले आसमान के नीचे आप जूस बनाइए। अब देखिए जो यहाँ से इसका एक्स्ट्रा मटेरियल और यू कैन से पल्प, वो एक्स्ट्रा बाहर निकलता रहता है, और जो जूस है वो हमारा ग्लास में भरता रहता है। दैट्स इट। ये देखिए हमारा जूस रेडी है। तो हमने जूस निकाल लिया, अब बारी है। अब देखिए जो ये है वेजिटेबल एंड फ्रूट स्लाइसर, इसके साथ आपको 6 ब्लेड मिलती है। अब इसमें से ये जो 2 ब्लेड है, ये है आपके जैसे आलू के चिप्स वगैरह निकालने के लिए, ये ग्रेट करने के लिए, ठीक है, चीज़ वगैरह। अब ये ब्लेड किस काम आती है मैं आज तक नहीं समझ पाई। ओके, और जो ये है हमारा मल्टी कटर विद पीलर, तो इससे आप बीन्स, ग्रीन चिली, कैरेट, लेडी फिंगर, क्यूक्यूम्बर, बहुत सारी चीज़ें आप इससे काट सकते थे। पर ये जो है इसकी स्प्रिंग यहाँ से टूट गई है, बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये आपका पीलर है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने नापतोल से मंगवाई है। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है नापतोल का, वो इतना अच्छा नहीं है। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मेरी फ्रेंड ने सेम यही प्रोडक्ट मार्केट से 400 रुपीज़ का ख़रीदा, तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं था। ये भी बहुत जल्दी डैमेज हो गया, और मैं प्रेफर करूँगी कि ऑफलाइन मार्केट से लेना ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नापतोल। जो नापतोल है वो अपनी मार्केटिंग और जो उसकी एडवर्टीजमेंट है वो बहुत अच्छी करता है, बहुत इम्प्रेसिव लगती है, पर जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इतनी अच्छी नहीं है। तो आप इसे ऑफलाइन मार्केट से ही ख़रीदना। सो दैट्स इट फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट माय प्रोडक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।